नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि किसी की जो मूल प्रवृत्ति है वो कहीं नहीं जाती है स्वभाव से। उसमें ये तो हो सकता है कि परिस्थिति बस थोड़ा सा वो दब जाए या उछाल ले ले। यदि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है तो हमेशा उसकी ये मूल प्रवृत्ति बनी रहेगी। अफगानिस्तान पे कब्जा करने वाले आतंकवादी संगठन तालिबान का भी यही हाल है। वो दिखावा तो कर रहा है कि 21वीं सदी का तालिबान है और ये बदल चुका है, काफ़ी लिबरल हो चुका है, लेकिन हकीकत में वो कुछ नहीं बदला है। वैसे ही खूंखार है, क्रूएल है, महिलाओं बच्चों पे अत्याचार कर रहा है, मार रहा है, सड़कों पे गोली चल रही है और दुनिया तमाशा देख रही है, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसकी व्याख्या कर रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा करने के बाद पहला फतवा जारी किया है कि अब हेरात प्रांत में लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ सकते, यानी को एजुकेशन का सिस्टम खत्म। ये वही तालिबान है जिसके प्रवक्ता सुहेल ने टोलो न्यूज में महिला एंकर को इंटरव्यू दिया था कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी, और उस महिला एंकर को दूसरे दिन ही हटा दिया गया था। ठीक इसी तरीके से मुल्ला फरीद है जो इनका एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता है, और उसने जो है हेरात प्रांत में जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके संचालकों के साथ, प्रोफेसरों के साथ मीटिंग की है और कहा है कि को एजुकेशन नहीं चलेगा, ना इसका कोई औचित्य है, ना कोई विकल्प है, इसको ख़त्म कीजिए। अब वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को समझिए, जो लड़के और लड़कियाँ जो स्कूली शिक्षा है उसमें दोनों तरह की व्यवस्था है, सिर्फ लड़कियों के लिए भी स्कूल है और सिर्फ लड़कों के लिए भी स्कूल है और मिक्स भी है। हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग व्यवस्था अभी तक नहीं थी, तो यानी कि को एजुकेशन था, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या सरकारी यूनिवर्सिटी हो। अब तालिबान का कहना यह है कि आप दोनों की कक्षाएं अलग अलग कीजिए और टीचर्स भी अलग अलग कीजिए, यानी कि महिलाओं के लिए अलग क्लास लगेगा और पुरुषों के लिए अलग क्लास लगेगा। सरकारी संस्थान तो शायद ये बियर कर जाए, लेकिन प्राइवेट संस्थान और यूनिवर्सिटी इसलिए बियर नहीं कर सकते कि उनके पास ऑलरेडी महिला छात्रों की संख्या बहुत कम है, तो उन्होंने ये अपनी समस्या रखी कि ये दिक्कत है, ये इसको ऐसे लागू नहीं किया जा सकता। तो जो मुल्ला फरीद है उसने साफ किया कि इसका कोई विकल्प है ही नहीं, ये आपको करना होगा, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी बंद हो या चाहे यूनिवर्सिटी आपकी चले। इसके बाद अब वहाँ पे सवाल उभरने लगे हैं कि अभी तो ये पहला फतवा है जो हेरात के लिए जारी हुआ है, वहाँ पे 34 प्रोविंस हैं जो पंजशीर को छोड़ करके 33 पे तालिबानियों का कब्जा है, धीरे धीरे ये सब पे लागू होगा। यानी जो तालिबान बोल रहा है वो कर नहीं रहा है, जब करने की बारी आ रही है तो वही मूल प्रवृत्ति आ जा रही है जो 1996 में हुआ करती थी और 2001 तक ये सत्ता में थे, तो वही सब कुछ लागू हो रहा है। सड़क पे कोई अफगान का झंडा लेकर चल रहा है तो दिक्कत है, जिसने अमेरिकी सेनाओं और नेटो सेनाओं के साथ मिलकर के काम किया है उनके साथ दिक्कत है, तो उनकी लिस्ट बनाई गई है और घर घर जा करके पता किया जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इधर अब ये फतवा जारी हो गया, अभी देखते रहिए आगे 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 होता है क्या, क्योंकि ये तालिबान है, इसकी जुबान की कोई कीमत नहीं है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।